रेल मंत्रालय ने पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए नई अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। पूरे भारत में 1200 से ज्यादा स्टेशन इसमें शामिल है। इसमें मध्य रेलवे नागपुर मंडल व दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल की बात करें तो कुल 45 स्टेशनों को संवारा जाएगा। इसमें नागपुर जिले के इतवारी, कामटी, भंडारा रोड, तुमसर रोड, बांधकवणी, बूटी बोरी, खापरी, बोरखेड़ी आदि शामिल है। इन स्टेशनों का सौंदर्यकरण कर आकर्षक प्रवेश द्वार, सुविधा युक्त वेटिंग रूम, प्लेटफॉर्म, रिटायरिंग रूम आदि की व्यवस्था की जाएगी। दिव्यांगों के साथ ही सामान्य यात्रियों के लिए स्टेशन पर शुद्ध पेयजल, आरामदायक कुर्सियां, शौचालय आदि की सुविधाएं दी जाएंगी। बजट में मध्य रेल नागपुर मंडल को 3,000 करोड़ रुपए की राशि मिली है। टोटल जो महाराष्ट्र अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रेलवे मिनिस्टर ने जो बताया महाराष्ट्र को 13,539 करोड़ टोटल महाराष्ट्र को अलॉट हुआ है। उसमें से नागपुर डिवीज़न में कंस्ट्रक्शन के जितनी भी लाइंस हैं, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन और न्यू लाइंस, उसके लिए 1,760 करोड़ के करीब अलॉटमेंट है। फिर हमारे नागपुर और अजनी स्टेशंस जो टोटली रीडेवलप हो रहे हैं, उनके लिए भी 603 करोड़ दिया गया है। तो उसमें भी अप्रोक्सीमेट 200 करोड़ के करीब नागपुर और अजनी के लिए है। जो नागपुर की कॉस्ट टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, काम चालू हो चुका है, 589 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। ऐसे ही अजनी का भी 359 करोड़ का टोटल वैल्यू है और वहाँ भी काम चालू हो चुका है। तीसरा स्टेशन वर्धा आएगा, जहाँ अभी कंसल्टेंसी का काम चल रहा है, दिसंबर तक उसके भी टेंडर कंप्लीट होके उसका भी काम चालू होगा। फिर बहुत सारे पैसेंजर अमेनिटीज़ के वर्क्स में अपग्रेडेशन के लिए फंड अलॉट हुआ है। टोटल सेंट्रल रेलवे को 734 करोड़ हुआ है, उसमें 1/3 के करीब नागपुर को मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेट मान के चले कि 200-250 करोड़ हमको मिलेगा उसमें। फिर रोड सेफ्टी वर्क्स और ROV और ROUB के जो प्लान हेड्स है, उसमें भी 160 करोड़ का आउटले है इस साल इस बजट में टोटल। और ट्रैक रिन्यूअल, जो ट्रैक की मरम्मत के लिए जो वर्क्स होते हैं, उसमें भी 350 करोड़ रुपए का आउटले है। ऐसे करके ये 13,539 करोड़ में से अप्रोक्सीमेट 3,000 करोड़ का टोटल नागपुर डिवीज़न का शेयर अप्रोक्सीमेट है, जो अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमको खर्च करने हैं। एक उसमें जिसके दौरान हमको 30 स्टेशन हम लोग डेवलप करेंगे। 30 स्टेशन में यदि आप नाम बोलना चाहूँ तो 15 बलारसा है, बैतूल है, चंद्रपुर है, सेवाग्राम है, कुलगाम है, धामनगाम है, आमला है, नरखेड़, काटोल, पांडूरना, जुनारदेव, हिंगनघाट, मुलतई, घोड़ा डोंगरी, गुदनी, देन परसिया, देन इसमें नवागांव, वरोड़ा, चंदूर, हीरगढ़, वरुड़, ऑरेंज सिटी है, कलमेश्वर है, मोरसी है, बांधक है, माजरी है, बोटीबरी है, वानी है, खापरी है और बोरखेड़ी है और कालाखर। ऐसे 30 स्टेशन हैं जिसको अमृत भारत स्कीम के तहत इनको डेवलप किया जाएगा। इनके बहुत ही थोड़े समय में इनके कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होंगे। इसमें वर्धा सेवाग्राम थर्ड लाइन को 150 करोड़, वर्धा बल्लारशाह को 300 करोड़, इटारसी नागपुर को 310 करोड़, वर्धा नागपुर फोर्थ लाइन को 150 करोड़ व वर्धा नांदेड़ लाइन के लिए 850 करोड़ मिलेंगे। नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए 1,000 करोड़ की राशि पहले ही मंजूर हो चुकी है। पूरे राज्य में यात्री सुविधाओं पर 734 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें एक तिहाई हिस्सा नागपुर मंडल को मिलने वाला है। रोड सेफ्टी के लिए 150 करोड़ व ट्रैक मरम्मत के लिए 350 करोड़ मिले हैं। अजनी उपग्रह टर्मिनल स्टेशन को 750 करोड़ मिले हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार बुहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।